हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। फाइनल के लिए भी होगा एंड फाउंडेशन के लिए होगा। अभी इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू रिलीज किया है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पे आपको ध्यान देनी है अगर आप ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो। कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो मिस्टेक्स कर सकते हैं, अगर वो इस मेरी वीडियो को देखेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, हो सके वो मिस्टेक्स सारे उनसे रिमूव हो जाए और वो सारी मिस्टेक्स ना करें। सबसे फर्स्ट थिंग, इस अगर एमसीक्यू सेट के बारे में बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ग्रुप वन का खोला है एमसीक्यू एंड इसमें 4 पेपर्स हैं एंड हर एक पेपर के टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हैं? 6 टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं। अगर हम इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो यू विल फाइंड 6 सीरीज फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर। अब 6 सीरीज आपको मॉक टेस्ट पेपर का मिलेगा। इच सीरीज कंटेन 100 मार्क्स। सारे सीरीज कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ड्यूरेशन फॉर इच सीरीज इज 3 आवर। 3 आवर का होगा और एक सीरीज को आप कितने टाइम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं? यू कैन अटेम्प्ट ईच सीरीज फॉर मैक्सिमम 5 टाइम्स। यानी 6 सीरीज है इंटू 5 टाइम्स, आप 30 टाइम्स आप टोटल सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए। ओके, लास्ट में आपको क्या करना होगा? सबमिट करना होगा आफ्टर अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। जब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो तो आप सबमिट कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आप मतलब 1 घंटे से पहले आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 आवर ऑफ योर एग्जामिनेशन देन यू कैन सबमिट योर ऑनलाइन एमटीपी। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मार्क्स का पैटर्न किस तरीके से है। अगर मैं एक सेट ओपन करूं यहाँ पे, ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये फर्स्ट सेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 10, फिर 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, फिर 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, मतलब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं पहले तो। फिर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे यहाँ देख सकते हो 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1+2+2+2, इस तरीके से क्वेश्चन पहले भी आते थे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 to 12 मार्क्स का होता था, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि हर एक स्टेप बाई स्टेप आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सेम लाइक दिस यहाँ भी स्टेप मार्किंग का ऑप्शन है कि अब सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का A, अब 2 के A के अंदर 3 क्वेश्चंस है, 1, 3 एंड 4। अब इस 3 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ही सिर्फ सॉल्व किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग का ऑप्शन है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने एमसीक्यू बेस्ड करके दिया है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ओपन किया। जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ओपन किया है, आप यहाँ देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एंड इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2B, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B एंड ये जो चारों क्वेश्चन पूछे गए 1, 2, 3, 4, ये चारों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यानी ये एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन है, बट आपको इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड करना होगा बिकॉज यहाँ पे इन्होंने सीधे फाइनल कंक्लूजन मांगा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने कम यहाँ पे आंसर टिक सही लगा तो आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके गलत होंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका जाएगा। ये यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। अदरवाइज ऐसा होता क्या है कि हमने फॉर्मेट भी बना दिया, कुछ अमाउंट्स हमने पुट कर दिए, तो उस पर हो सकता है 1 मार्क्स भी हमें मिल जाए, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हमने गलत भी बनाया तो भी स्टेप मार्किंग के बेसिस पे थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या है लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया हुआ है लेकिन उसको अलग अलग मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, तो इस तरीके से करके आप इस इंटायर सीरीज को आप देख सकते हो। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का था,
इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी आप इसी तरीके से आप देख सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फर्स्ट थिंग जो भी आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। वहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए था जब ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता एंड इन ऑफलाइन मोड में होता, तो वहाँ पे हमें रिटेन करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे मिस्टेक्स इरर्स नहीं होने चाहिए, तो जैसे हमारे कॉपी नीट एंड क्लीन दिखे। बट जब आप ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ पे कोई मिस्टेक्स का कोई चांस नहीं बनता है, कोई ओवर राइटिंग का प्रॉब्लम्स नहीं आता है। तो अब आपको जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिख के नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर पे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पे उतना आप करो। अब कम से कम कोशिश करो कि आप पेन और पेपर को यूज करना, आप कैलकुलेटर को मैक्सिमम यूज करना शुरू कर दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी 5 मार्क्स से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आपके पास यहाँ पे अब टाइपिंग स्पीड चाहिए, वहाँ पे राइटिंग स्किल चाहिए था, अब यहाँ पे टाइपिंग स्पीड चाहिए। अब टाइपिंग स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज पेपर में बहुत कम टाइम है, तो आप किस तरीके से करोगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एवरी डे हाफ एन आवर आप इसके ऊपर आप टाइम दो। आपने जो भी कॉन्सेप्ट याद किए हैं, जरूरी नहीं कि इसी के ऊपर आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना है, आप वर्ड फाइल एक ले सकते हो अपने पास। वर्ड फाइल पे आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एवरी डे कुछ ना कुछ एक टॉपिक उठाओ, उस पे आप एटलीस्ट हाफ एन आवर आप उसके ऊपर कुछ टाइपिंग करो, जिससे क्या होगा आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। जो लोग अगर फ़ोन यूज करते होंगे, अगर एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड अगर फ़ोन में अवेलेबल हो गया तो आपकी ऑलरेडी फ़ोन पे टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे आप आराम से आप टाइप अच्छे तरीके से आप कर सकते हो और फास्टली टाइप कर सकते हो, बिकॉज मैसेजिंग करने का हमें हैबिट हो जाता है तो हम फास्टली टाइपिंग कर सकते हैं। बट जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू एग्जाम देना है, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकता है अगर उन्होंने अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज नहीं किया, तो हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने में उन्हें 10 to 15 मिनट्स लग जाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जिस फॉर्मेट में आप पेपर देने वाले हो, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू देने वाले हो, यानी अगर आप डेस्कटॉप यूज करोगे, बिकॉज डेस्कटॉप का कीबोर्ड की अलग टाइपिंग होती है, अगर लैपटॉप है तो उसकी टाइपिंग अलग होती है, तो दोनों का ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप पे आप टाइपिंग अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप पे भी कर लोगे, दोनों के कीज डिफरेंस होते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप लैपटॉप पे फोकस करो, अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप पे फोकस करो। तो एक टाइपिंग स्पीड, कैलकुलेटर पे वर्क एंड मोस्टली क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करना शुरू करो, ये सारे प्रिकॉशन है अगर ऑनलाइन बेस्ड। हाँ, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि यार ऑफलाइन होता तो हम ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, अब ऑनलाइन हो गया अब हमारा क्या होगा, हमारा अच्छा पेपर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। पेपर बहुत ईजी तरीके से ड्राफ्ट किया गया, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, जिससे आप मार्क्स, अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लैसिंग होने का चांसेस बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन ये पेपर हो रहा है तो इसमें टोटल क्वेश्चन का आंसर या तो आपका सही होगा या तो गलत होगा, एंड सही होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ओके, तो ये एक बेस्ट थिंग है, इसमें आप यहाँ पे अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, बिकॉज रिटन में क्या होता है कि अगर आपने अच्छा भी लिखा तो 4 नंबर की जगह पे 2 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर भी दे देते हैं आपकी फॉर्मेटिंग पे, आपकी राइटिंग स्किल पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स ही मिलेगा। ओके, होप सो कि आप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला हो एंड काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो कि आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। आप इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, एंड एवरी डे टाइपिंग पे थोड़ा सा काम करो अपने सिस्टम के साथ, जिससे आप उसके फैमिलियर हो जाओ आप टाइपिंग करने में और एग्जाम आपका अच्छा जाए। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।